मैडम की इधर आ जाओ। जितना चेहरा आ रहा है जिसके ऊपर। ओके थैंक यू, थैंक यू ओनली। वजह क्या, हमने इतने शोज़ किए हुए, इतने इवेंट्स किए हुए, जैसे परफेक्ट मिसेस इंडिया हुआ, परफेक्ट मिस हुआ, परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स हुआ, तो वी डिसाइडेड, यानी मेरी वाइफ डॉक्टर खुशी जो है, शी डिसाइडेड कि लेट अस गो फॉर चैम्प्स ऑफ इंडिया, यानी परफेक्ट चैम्प्स ऑफ इंडिया। तो इसका निर्माण हुआ और सब बच्चों का ऑडिशन हुआ एंड रिजल्ट इज़ हियर। कैसी कल्पना है कि बच्चे के काम करना, बच्चों के साथ में काम करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हम इनके साथ में अगर ट्रेनिंग में, ग्रूमिंग में इनको जो सिखाते हैं, तो उनका अगर मन नहीं करेगा तो दे विल नॉट गो हेड विद दिस। चाहे हम लोगों ने जितनी कोरियोग्राफी की, दे वे लाइक हमें पसंद नहीं है। सो बच्चे के साथ में आर्ग्यू नहीं कर सकते, बच्चों के साथ बच्चा बनना ही अकलमंदी था। एंड दिस इज़ हाउ दे हैव ट्रेंड देमसेल्फ, सो दे आर सुपर टैलेंटेड। उन्होंने अपने खुद के हिसाब से पोजेस दिए हैं, उनको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा होस्ट सबसे शैतान बच्चा, शैतान और शैतान को ही अच्छा कहता हूं, और सबसे अच्छा बच्चा हमारा ब्रांड एंबेसडर है आर्यवर्त। नहीं, मैं खुशी मैम ने जो मुझे बोला कि अभी कि इन्होंने खुद मेहनत नहीं करवाई, बट मैंने देखा खुशी मैम ने, गीत मैम ने, गुरु भाई ने, पूरी टीम ने बच्चों से सच में बहुत मेहनत करवाई है, क्योंकि 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को थोड़ा एंटरटेन सिखाना, वो करना, कॉन्फिडेंस देना थोड़ा टफ हो जाता है। दे आर एक्चुअली उन लोगों के पीछे भाग भाग के उनको पेरेंट्स को कॉल कर करके बुला रहे थे कि यार प्लीज़ कुछ करना है करना है, और बच्चों ने फिर जाके समझ में आई प्यार से कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट इन दोनों ने बहुत मेहनत कराई, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। परफेक्ट चैम्स ऑफ इंडिया, इंडिया में एक ऐसा पहला इवेंट है जो बच्चों के अपकमिंग न्यू जनरेशन के बारे में सोच रहा है। दिस इज़ अ रेवोल्यूशन, दिस इज अ एवोल्यूशनरी इवेंट बाय द परफेक्ट वुमेन टीम, दैट इज़ अ परफेक्ट चैम्स ऑफ इंडिया 2019। एंड आई रियली विश, हो सकता है हम अगले साल ग्लोबली जाए, इंटरनेशनली जाए। आई वी जस्ट नीड योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट कि आप हम लोगों के साथ और इसको एनकरेज करवाओ और लोगों से जुड़वाओ, ताकि हम इसको ग्लोबली लेके जा पाएँ और इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करें बाय द परफेक्ट वुमेन प्राइवेट लिमिटेड टीम। हाँ, आर्यवर्त यहाँ पे जज था, वो ब्रांड एम्बेसडर है, और आर्यवर्त ने अपना पोटेंशियल इसमें इस तरीके से, उनका बहुत हद तक ये भी साथ रहा कि ही यूज़ टू ट्रेन द किड्स ऑल्सो। इन्होंने खुद ने बहुत ही कम एज से बहुत ही मैच्योरिटी पाली है, तो उस हिसाब से वी डिसाइडेड टू लेट द चाइल्ड बी, और बच्चों को बच्चे ज़्यादा अच्छे से जज कर पाते। जज करने के लिए मेरा थोड़ा सा मुझे टफ पड़ा था, क्योंकि एक्चुअली सभी बहुत अच्छा कर रहे थे, तो मैं मैं सोच नहीं पा रहा किसको क्या दूँ, किसको कैसे दूँ। सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे थे, सबका बहुत अच्छा था, इसलिए थोड़ा सा टफ मुझे पड़ा, नहीं तो ज़्यादा नहीं टफ था मेरे लिए। चयन इस तरीके से हुआ कि हमने ऐड दी हुई थी सोशल मीडिया में कि जो बच्चे टैलेंटेड है या जिनके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ कर पाए, तो प्लीज़ आइए और अपना फॉर्म भरिए। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनके बच्चों को हमने बुलाया, काफ़ी हमने रिजेक्ट भी किए। जो हमारे बोर्ड ऑफ जजेस थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी कर दिए, कैंसिल भी कर दिए, कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और जो परफॉर्म कर पा रहे थे उसमें से शॉर्ट करके ये सब आपके सामने है। लेकिन इसमें उनके पेरेंट्स का बहुत हाथ रहा, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं कर पाए थे, और उनका एक अरमान था कि हम जो नहीं कर पाए अब हमारे बच्चे की बारी है। एंड दे हैव पुट इन देयर ओन पोटेंशियल के बच्चों के पीछे जो करना होगा, जितनी भी मेहनत होगी, वी आर देयर फॉर इट। सो ये सब बच्चे जो आज जीते हैं, उनके पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो पाता, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन वहाँ तक लाने का काम जो पेरेंट्स का था, ये इन सारे पेरेंट्स ने बखूबी निभाया है, और उसी का रिजल्ट आज परफेक्ट चैम्स ऑफ इंडिया है। थैंक यू। बच्चे में कौन बोलेगा बताओ? सब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो जय माता दी। तू बोलना रहेगा I feel is very good stage and I will winner on support mummy papa. Okay, mummy papa for what? Mummy papa and my sister. My sister. Okay. Thank you. Yeah. Hey, 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 here, brother.
बेटा आजा बेटा क्या लग रहा है बेटी अपनी विनिंग कर पाएगी और श्रेया इकड़ी जाना नो बेसिकली क्या व्हाट हैपेंड व्हेन आई केम दिस ऑर्गेनाइजेशन सो फर्स्ट टाइम आई सिट टुगेदर बट आई अपसेट एंड रिटर्न बैक After that, continuous 10 days and 12 days, I searched the website regarding this organization. And after that, club andar aaya nahi. This is organization is the platform for the kids. And maine phir wapas aaya. अच्छा इनका पहले पहले जा करके वापस आना तो चलो ये मुझे अभी पता चला मतलब माय विनर के साथ में ऐसा हुआ है ये हिस्ट्री है ये मुझे नहीं पता था आई अगेन कम बैक एंड डिस्कस विद योर टीम्स एंड रजिस्टर्ड माय डॉटर्स तो ज्यादातर केडिन मेरे बड़ी बेटी को भी आती है वही रजिस्टर किया था मुझे तो कुछ पता ही नहीं था जब कॉल आया जब आपका बेटी का नाम हम थी मुझे तो कुछ पता नहीं है किसने डाला नहीं इधर से कॉल आया था चौड़ी मेरी बड़ी बेटी ने डाला था तो आई एम सो हैप्पी टुडे तो मेरा एक सपना ही था जब भी मैं हैप्पी होती हूँ कुछ ना कुछ करती हूँ जैसे मैं मंदिर में जाके सबको खाना खिलाती हूँ पोर पीपल को तो ये तो मैं करना ही चाहूँगी अभी इतना अभी या अभी इतना खुश हो गया तो मैं मैंने क्या बताऊँ आपको किसी को बोल भी नहीं सकती इतना खुशी हूँ मैं मुझे बहुत ही खुशी आ रही है क्योंकि मम्मी को जब खुशी देखती हूँ ना मुझे भी बहुत ही आता है खुशी और मम्मी का बार्बी है Fantastic. This is a great platform for kids to, you know, showcase their talent. We are very thankful to Mr. and Mrs. Thakkar because they have given a perfect platform for kids to perform and give their best talent. Yeah. We are very happy for that. Thank you, ma'am. What about you? What do you say? I'm very happy because I won. You won? Review chal raha hai. Definitely. खैर अभी ये तो इसका पहला शुरुआती दौर था ये फिर भी आज बहुत खुश हूँ मैं बच्चे ने अच्छा किया अपनी तरफ से आज सेकंड रनर पर है बॉयज़ में तो मैं बहुत खुश हूँ और आगे के फ्यूचर के लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत इनको ये बधाई देता हूँ कि आगे हम बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हमको मिलेंगे उसके लिए हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे जी इन्होंने ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कॉन्फिडेंस है पर और कॉन्फिडेंस उसमें गेन हुआ है आने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती उसके पैर में इतना चोट लगा था मैम ने देखा भी था और उन्होंने सपोर्ट भी किया आज उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी दिल से और ये पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से ये बच्चे आज यहाँ पर है बिकॉज दो इनके पैर पर चोट लगी थी एंड आई आज द चाइल्ड बच्चा आप पार्टिसिपेट कर पाओगे आई मतलब टीम ने पूछा नी पे पेन एंड द चाइल्ड वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज उसको एक ही ड्रीम था कि आई वॉन्ट टू सी माई पेरेंट्स प्राउड सो ये सोच बच्चों की जो है यही तो कल का भविष्य है मैं बस जीत गया यही मेरे लिए काफ़ी है और मेरे पापा का मम्मी के लिए भी बस पर मेरे को फर्स्ट रनर अप आना था आप अपने मॉम को भी थैंक यू नहीं बोलोगे आई थैंक माई मॉम तो बोलो एंड डैड एक्चुअली आई एम सो हैप्पी माई डॉटर वॉन फर्स्ट रनर अप एंड शी इज़ शाई बट शी इज़ ऑल्सो वेरी नॉटी एट द टाइम वेन थैंक यू सो मच फॉर परफेक्ट वुमेन टीम दे आर सो सपोर्टिव सो एनकरेजिंग
और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बच्चों को एनकरेज करते हैं, और अगर पेरेंट्स उनको थोड़ा पुश करते हैं तो वो लोग डांटते कि नहीं नहीं बच्चों पे मतलब जोर नहीं देना है, बच्चों को छोड़ दो, उन पे ज़रा भी दबाव नहीं डालना है, तो ये लोग बहुत एनकरेज करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना, परफेक्ट वुमेन का प्लेटफॉर्म चुना अपनी बेटी के लिए, और मतलब सब बहुत अच्छे हैं परफेक्ट वुमेन टीम से। थैंक यू, आप इतने अच्छे ना, आपने अपने बच्चे के लिए जो स्टेप उठाया ये सबसे बड़ा स्टेप है। एंड शी कम्स आपको दूर से अंबरनाथ, हाँ मतलब ट्रैवलिंग बच्चे के लिए, ग्रूमिंग के लिए ट्रैवलिंग करना बच्चों के लिए, पेरेंट्स लोगों ने जो किया ये बहुत बड़ी बात है। शी वॉज द फर्स्ट कंटेस्टेंट, ये क्या था वो, शी हाँ पहला, शी वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर द प्लेटफॉर्म। हाँ एंटर, हाँ देखो, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, और ये जो उन्होंने बेस्ट थैंक्स फॉर गीता मैडम, अंदिश मैडम, जो उन्होंने परफेक्ट चैंप ऑफ इंडिया का जो ऑडिशन रखा और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मेरे बेटे को फ्यूचर बनाने का भी मौका मिल रहा है, जो आज परफेक्ट चैंप ऑफ इंडिया का 2019 का विनर है। अच्छा, आपका बच्चा विनर। थैंक यू टू खुशी मैम एंड गीत मैम। Imperfect women, nahi? Perfect women, sorry. Perfect child. Because the parents have, and for the first time it was like ye parents ki tarah behave bhi nahi kar rahe the. For them they were like ek friend ki tarah bacche ko treat kar rahe the. So in these grooming sessions or jo meetings wagera mein what we noticed also. So we didn't thought ke bachcha jeetega, but yes, inki prayers aur dedication hai jo bacche ko aaj ye platform tak lekar aaya. So we are very much grateful to have such parents who are supportive, who encourage their kids, and because of whom today's generation is coming out with multiple talent. So uske liye I thank all the parents for this, and specifically I wish them lot of luck for future endeavors. My name is Janvi Manish Kole. She won for the confidence and the smile. Yeah. Janvi, say something about this. Did you like? I like the program. Thank you. And thank you. She's done. No? Yes. She don't even know me. Chalega. Thank you. Perfect chance. We have got like a very wonderful platform. Basically, वो बहुत कुछ सीखती है. She does dancing, rhythmic gymnastics. पर हम लोग को देखना था what is her actual interest towards. पर perfect chance said let her do whatever she wants to do. You will automatically come to know what she likes to do on the stage. So today we could at least figure out कि वो जो भी कर रही है, she's into the right direction and with lot of confidence. अब इसको sash भी मिल चुका है. So let's see how we are shaping her further. Thank you, Perfect Chance, for the opportunity we have got. Thank you, ma'am. Thank you so much.